सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ जी किसी ज़माने में बहुत अमीर हुआ करते थे और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करते थे, लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालात में पहुंच गया है कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही पर मिलता ज़रूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिस जिसने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में जो चाहे वह इनाम लेकर के जाए। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ जी ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी बहुत खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो हमें फिर बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफ़ी दूर था, सफ़र लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफ़ी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके दो बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी हैं और सेठ से खाना मांग रही हैं। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफ़ी गाय थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर लाई रोटियों में से दो रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में दो रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि गाय ज़्यादा भूखी लगती है, बिचारी को दो बच्चों को दूध भी तो पिलाना होता है, इन दो रोटियों से उसका क्या ही होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी की दो रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है। और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहें दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारी कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को महाराज की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए या कर्म अच्छे नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना बिल्कुल फिजूल होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने ही वाला था कि
राजा के दरबारियों में से एक राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिससे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा ने बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं? राजा ने उसी दरबार को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा, जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर यह सेठ आराम से बैठा था, और मैंने वहाँ देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने कहा, मेरे महान गुरु के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कर्मों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी ज़रूरत हो, और सबसे बड़ी बात उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कर्मों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, और सेठ और सेठानी ने सब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों कहते हैं कि दान धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होता कुछ विपरीत ही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों की मदद करते हैं।